राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार में नेताओं के साथ अभिनेताओं को लगा रखा है। दिग्गजों के साथ साथ अभिनेता भी कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान में नई जन्मी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रचार अभी तक केवल अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों भीलवाड़ा जिले में उनकी पार्टी के पोस्टर पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की तस्वीर नजर आई। माना जा रहा था कि सहवाग उन्हें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने इसे झूठा प्रचार करार दिया है। चुनावी मौसम में फर्जी लिस्ट के साथ साथ फर्जी चिट्ठियों का काफी ट्रेंड चल रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जहां पार्टियों के नाम पर फर्जी चिट्ठियां वायरल हो रही हैं, तो वहीं राजस्थान में तो फर्जी प्रचार के पोस्टर ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, इन दिनों राजस्थान के भीलवाड़ा में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की तस्वीरें नवगठित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पोस्टर्स के साथ लगी हैं, जिनमें पिछले गुरुवार 29 नवंबर को एक विशाल किसान सम्मेलन में उनके आने की बात लिखी गई है। इस विज्ञापन में कहा गया था कि भीलवाड़ा के आसिंद में एक विशाल किसान सभा का आयोजन होने जा रहा है, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी होंगे। इन पोस्टर्स को देखकर माना जा रहा था कि सहवाग उन्हें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने इसे झूठा करार दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि झूठा अलर्ट, मैं दुबई में हूं और इनमें से किसी व्यक्ति से कभी संपर्क नहीं हुआ। अब ये लोग बेशर्मी से अपने कैंपेन में मेरा नाम धोखाधड़ी से इस्तेमाल कर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि यह कहीं जीत गए तो कितना बेवकूफ बनाएंगे। झूठों से सावधान। उनके इस ट्वीट के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर ये पोस्टर किसने चस्पा किए? क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ही ये पोस्टर लगाए हैं? क्या वो झूठा प्रचार कर रही है? रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।